तो गाइस जैसा कि देखा आपने टाइटल और थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शूज फॉर मेन के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शूज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ शूज, कितने टाइप के शूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा शू बाय कर सकते हैं जो आपके आउटफिट को भी कंप्लीट करे और आपके लिए काफी ड्यूरेबल हो और काफी कंफर्ट भी आपको दे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कलर है जिनके शूज आपको खरीदने चाहिए जो आपके आउटफिट के साथ साथ आपको एक अच्छा लुक और अच्छा वाइब दे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुछ बजट ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन ऐसे बजट ब्रांड्स काफी ऐसे शूज बना रहे हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है। तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक के बारे में जो है शूज। तो गाइस शूज हमारे आउटफिट का काफी एसेंशियल पार्ट होते हैं, हमारे आउटफिट को ये कंप्लीट करते हैं। शूज के बिना हम लोग काफी सारे ओकेजंस में नहीं जा सकते हैं और शूज जो होते हैं अटेंशन ग्रैबर होते हैं। कोई भी हमें अगर पहले देखता है तो उसकी नजर कभी ना कभी शूज पे हमारी चली जाती है। तो जो शूज होना चाहिए हमारा काफी अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप हमेशा ओकेजन के हिसाब से शूज को खरीदिए या पहन के जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ शूज, कितने टाइप के शूज होते हैं। तो गाइस अगर शूज के टाइप की बात करें तो काफी सारे शूज के टाइप है, लेकिन उनको सब कैटेगराइज किया जो जो मेजर जो अपने टाइप्स है। पहला उसमें अपना ड्रेस शूज जो फॉर्मल सेमी फॉर्मल के ऊपर पहना जाता है। ड्रेस शूज के बाद आ जाता है स्नीकर्स, स्नीकर्स के बाद आ जाते हैं बूट जो थोड़े हाई टॉप के शूज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एथलेटिक शूज जो स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं रनिंग के लिए या जो दूसरे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ टू बाई बेस्ट शूज फॉर मैन। ओके, कैसे आप अपने लिए एक अच्छा शू बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक और की रूल मैं बोलूंगा कि आप अपने वार्डरोब को चेक करें किस किस टाइप और किस किस स्टाइल के जीन्स और पैंट्स है, उस हिसाब से आप जाके शू को परचेज करिए। शूज जो आपका होना चाहिए थोड़ा सा डार्कर होना चाहिए आपके जीन्स और पैंट्स के कलर से, या अगर आपके बेल्ट के कलर के साथ मैच करें तो भी अच्छी बात। उसके बाद अगर कम्फर्ट की यहीं पर बात कर ले कि शू का जो कम्फर्ट होना चाहिए कि अगर आप उसको पहनते हैं तो उसके बाद एक फिंगर आपका शू में चला जाना चाहिए तो ये काफी कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद अगर शूज की विड्थ की बात करें तो वो भी अच्छी हो कि आपके जो उंगलियों के मूवमेंट हो वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, जिससे मैक्सिमम कंफर्ट आपको मिल सके चलने में या दौड़ने में, वॉकिंग में, जॉगिंग में, जो भी है। गाइस अब बात करेंगे जो बेसिक और प्राइमरी कलर्स होते हैं शूज के उनके बारे में। गाइस काफी सारे कलर्स हो जाते हैं, लेकिन जो आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा शू आप परचेज करें जिनमें आपका मिनिमम अमाउंट लगे और वो आप काफी लंबा पहन सकते, आप ब्लैक शू के लिए जा सकते हैं, व्हाइट शू के लिए जा सकते हैं, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे, चार जो कलर है ये बेसिक और काफी प्राइमरी काफी वर्सेटाइल होने वाले। ये अगर इन इन कलर के आपके पास शूज है तो आप किसी भी आउटफिट में किसी भी ओकेजन में आराम से पहन के जा सकते हैं। और डिपेंड ये करता है कि आप किस स्टाइल के शूज लेते हैं। तो टाइप ऑफ शूज के बारे में हमने बता दिया, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगर आप शूज के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं देन आप हमारे वेबसाइट finestech.com को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग आते हैं बजट ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे शूज अच्छे बना। गाइस बेसिकली अगर बात करते हैं कि अगर हमें रनिंग शूज चाहिए तो कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स है, तो रनिंग शू अगर आपको चाहिए तो देन आप स्पार्क, कैंपस उतरा, लोटो और एसियन ऐसे चार ब्रांड्स है जिनके शूज 500 से प्लस में आपको मिल जाएंगे, अमेजन पे अवेलेबल है ये ब्रांड, जाके इनका आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको स्नीकर चाहिए देन आप स्पार्क, रेड टेप, क्राशा, सिंबल, स्पोर्ट स्टार, ये जो बजट ब्रांड्स है इनके स्नीकर्स आप चेकआउट कर सकते हैं अमेजन। अगर आपको व्हाइट स्नीकर्स चाहिए देन आप क्रासा और स्पोर्ट स्टार को चेकआउट कर सकते हैं। इनके स्नीकर्स काफी लो प्राइसेस में हो, बिना किसी ब्रांड नेम और बिना किसी पैच के अवेलेबल है, पूरा सॉलिड और व्हाइट शूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो अपना है फॉर्मल शूज या ड्रेस शूज। तो अगर आप फॉर्मल शू और ड्रेस शू ऑनलाइन लेना चाहते हैं देन आप बाटा और एक्शन के शूज के लिए जा सकते हैं। बस ये थे टोटली अपने बजट ब्रांड्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है, काफी अच्छे रेटिंग है इनकी, तो जाकर इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, आप अपने वार्डरोब के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। सारा डिटेल्स हमने कवर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।